लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही न हुआ हो, लेकिन सियासी पार्टियों में चुनावी तैयारियों का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां प्रत्याशियों के नामों को लेकर मंथन में जुटी हैं। दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक होगी और मीटिंग में प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर दिए जाएंगे। माना जा रहा है कि आज ही दोनों पार्टियां अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर सकती हैं। एमपी की 29 सीटों में से 24 पर बीजेपी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है, लेकिन 5 सीटें होल्ड पर हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि आज इन सीटों पर भी पार्टी उम्मीदवार के नाम घोषित कर देगी। भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक सीट को समान महत्व देती है, हर सीट की अपनी एक महत्ता है और पार्टी इस चीज़ का भरपूर ध्यान रखती है। 5 सीटों पर चूंकि चर्चा नहीं हो पाई थी, कई नामों के पैनल थे, उन पर विस्तृत चर्चा की आवश्यकता है और संभावित उस दिन बहुत सारे राज्यों की लोकसभा सीटों पर चर्चा होनी थी, तो 5 सीटें उस दिन चर्चा में रह गई थी, जिन पर आज विचार मंथन करने के पश्चात संभवतः पार्टी नेतृत्व कोई निर्णय लेगा। तो वहीं कांग्रेस 29 में से एक भी सीट पर अब तक प्रत्याशी नहीं दे पाई है। हालांकि एक सीट खुजराहो, गठबंधन धर्म निभाने के चलते समाजवादी पार्टी के खाते में जरूर चली गई। वहीं आज कांग्रेस की दूसरी लिस्ट भी आने के आसार हैं, जिसमें एमपी की 20 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो सकता है। पार्टी अपने विधायकों को भी लोकसभा चुनाव में उतार सकती है। अब जरा आपको बताते हैं कि वो कौन सी 5 सीटें हैं जहां बीजेपी अपनी पशुपेश में है और कौन है वहां से दावेदार। इंदौर सीट से दिव्या गुप्ता, माला ठाकुर। धार सीट से सावित्री ठाकुर, जितेंद्र गहलोत, गजेंद्र सिंह, राजू खेड़ी। बालाघाट सीट से मौसमी बिसेन, वैभव पवार। छिंदवाड़ा सीट से मोनिका भट्टी, बंटी साहू, नथन शाह। और उज्जैन सीट से दावेदार है रानी जाटवा, राजकुमार जगिया। अब जरा आपको कांग्रेस के दावेदारों के भी नाम बताते हैं कि किस सीट पर कौन कौन दावेदार है। भिंड से दावेदार है फूल सिंह भरैया, देवाशीष जरारिया, संजू जाटव। ग्वालियर से दावेदार है प्रवीण पाठक, साहब सिंह गुर्जर, डॉक्टर गोविंद सिंह। गुना से दावेदार है वीरेंद्र रघुवंशी, राव यादवेंद्र यादव, अरुण यादव। सतना से दावेदार है नीलांशु चतुर्वेदी, अजय सिंह, सिद्धार्थ कुशवाहा। बालाघाट से दावेदार है हीना कावरे, मधु भगत, अनुभा मुंजारे। छिंदवाड़ा से दावेदार है नकुल नाथ। खंडवा से दावेदार है अरुण यादव, सुरेंद्र सिंह शेरा, राज नारायण सिंह पुरनी। रतलाम से दावेदार है कांतिलाल भूरिया, हर्ष गहलोत, जेवियर मेड़ा। तो वहीं राजगढ़ से दावेदार हैं दिग्विजय सिंह, प्रियवर्त सिंह। एमपी में कांग्रेस के सामने प्रत्याशियों का चयन चुनौती तो है ही, लेकिन नेताओं को पार्टी में रोक कर रखना भी किसी चुनौती से कम नहीं है। पार्टी चिंता में है कि साल 2024 की तरह कहीं कोई लोकसभा प्रत्याशी ऐन वक्त पर पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल न हो जाए, और शायद यही वजह है कि कांग्रेस इंतजार कर रही है।